बुधवार को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा सेक्टर 30A चंडीगढ़ में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री परमिंदर राय IPS भूतपूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक पुलिस आवास निगम हरियाणा ने अपने कर कमलों से किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये मिशन तो अनोखा है जी। नहीं, अगर आपको मानसिक शांति चाहिए बिना किसी आडंबर के तो आपको यही मिलती है। क्योंकि ये रक्तदान है तो सबसे बड़ा दान है ये, तो आप एक स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस की तरह करते हैं। किसी भी आदमी को कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है, अगर घर में कोई बीमार होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी दिक्कत आती है तो ब्लड तो चाहिए होता है। ब्लड तो ऐसी चीज़ है और कहीं बनता नहीं है, शरीर के अंदर ही बनता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको ब्लड चढ़ाना तो और भी साइंस ने ऐसी कोई अभी तक इजाद नहीं की है कि आपको कुछ चढ़ाया जाए। इसमें से ज़रूर डॉक्टर निकालते हैं, प्लाज्मा निकालते हैं, प्लेटलेट्स निकालते हैं, वो चढ़ते हैं, आदमी बचते हैं उससे। तो ये तो बहुत अच्छा दान है, इसके आगे तो फिर अंगदान ही है, बहुत आदमी मरणोपरांत नहीं कर सकते। इस रक्तदान शिविर में 483 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिसमें 60 महिलाएं भी शामिल रही। संत निरंकारी मिशन की देश भर में सभी 3000 के लगभग शाखाएं 24 अप्रैल 2019 को मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में विशेष समागम का आयोजन किया। इस अवसर पर जहां बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज तथा सैकड़ों ऐसे श्रद्धालु भक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने सत्य प्रेम शांति तथा मानवता एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।